अमृतसर दे विच दो दिन पहला हुई सी 10 साल की बच्ची लापता। पिंड मुदल की हवेली दे विचों मिली बच्ची की लाश। बच्ची के शरीर से लगिया गंभीर चोटा ही दस रही ने कि हैवानियत की की गई है हद पार। अमृतसर के मुदल पिंड दे विच उस वक्त हड़कंप मच गया जो दो दिन पहले ही अजे लापता हुई 10 साल की बच्ची जिसका नाम है सुखमन कौर उसका मृतक शरीर पुलिस को बरामद होंदा है। जिस हालत दे विच बरामद होंदा है उसनू वेख के यह कहा जा सकता है कि जड़ी दरिंदगी की हद है वह भी पार कर दिती है मुलजमान ने। जिथे कि पुलिस के वलों कहा जा रहा है कि जड़ियां चोटा बच्ची के शरीर से आईया ने उसनों बयान करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दूजे पासे जड़े बच्ची के रिश्तेदार ने आखिर पुलिस ने उन्होंने ही गिरफ्त दे विच लै लिता है यह एक वड्डा सवाल बनया हुआ है। तो दूजे पासे जड़े रिश्तेदार ने उन्होंने कहना है कि इन्हां नाल तां किसी की कोई परसनल रंजिश भी नहीं सी। आखिर फिर अजिही घटना नूं कौन अंजाम दे सकता है। सर परसों 3-4 बजे अज कितों मिली उसकी डेड बॉडी? अज सर इन्हें मार के सट्टी हज़ार पिछले पास जी। किन्ने बजे पता लगा थोड़ा? उस बाद सर पता लगा 9 बजे। किसी ना कोई पुरानी रही थी पिंड दे विच कोई लड़ाई झगड़ा? ये नहीं है। तो फिर की लगता क्यों इन्नी छोटी बच्ची के नाल किसी ने इन्ना बेरहमी की? परिवार के कुछ बंद भी पुलिस ने हिरासत च लिता? किन्ने जन हिरासत च लिता पता कुछ? पता नहीं सर। की मांग की करते? मांग सर रस्ता भी चाहिए बच्ची सर लाडा ना पाले। किन्ने साल की सी? 9 साल। पढ़ती सी स्कूल? हाँ जी। अजे सर छुट्टियां कट गए जी साढ़े को। अच्छा जी। अं तो आनियाँ देने कीता कम क्या हो जाए मतलब ठीक है। एक सट जी बार जी लभ रही है सिर के देखने से लग रहा है कि जिदा सट मर मरे लाई होंगी है उबत करने वास्ते। अमृतसर तो हरदेव प्रिंस चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।